नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इस गैस लाइटर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा पास देखिए ये गैस लाइटर, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे इसमें जो फ्लेम है वो ठीक से जल नहीं रहा है और जो फायरिंग है वो भी नहीं हो रहा है, मतलब गैस जलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इस तरह का हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है और साइड में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो एक चक्का है, ठीक है, सबसे पहले इसको आप रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, देखिए ये बाहर आ जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अंदर में एक मतलब स्टोन रहता है, उसको को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी जो चक्का है वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं दोनों का रिपेयरिंग आपको बताता हूँ। तो ये पर स्प्रिंग रहता है, इसको घुमाएंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको साइड में रखिए और इसको नीचे हाथ से लेंगे, देखिए पत्थर है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थर सही है, तो स्टोन जो है सही है, तो मतलब यहाँ पर जो चक्का है चक्का का प्रॉब्लम है। तो स्टोन को भी मैं रख देता हूँ और चक्का जो है उसको आप दोनों साइड से इस तरीके से निकालेंगे तो निकल जाएगा, मतलब बहुत ही लूज होता है, टाइट नहीं होता है। और इस तरह का नया चक्का जो है, इस तरह का नया चक्का मार्केट में मिलता है जिसका प्राइस 2 रुपीज़ है। तो इसको मार्केट में आपको बोलेंगे कि गैस लाइटर का चक्का चाहिए तो मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है और ध्यान रखिए ये जो यहाँ पर टीथ जो रहता है चक्का का, तो वो सामने के ओर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर चक्का को लगा दिया, ठीक है, चक्का सेट हो गया। और फिर से यहाँ पर मैं जो स्टोन है स्टोन वही स्टोन को लगा देता हूँ, क्योंकि स्टोन सही है। और स्टोन सही नहीं है तो स्टोन को अगर ख़त्म हो गया है तो देखिए इस तरह का स्टोन मार्केट में मिलता है और जिसका भी दाम 50 पैसा से 1 रुपीज़ से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको टाइट कर देता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ फायरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए अभी बहुत अच्छे से फायरिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए गैस निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इस कैप्स को आप थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए पिन जो है ना, यहाँ पर शायद जाम है, यहाँ पर एक तो पिन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस पिन को जाम हो गया। तो इसको इस तरह का एक पिन लेना है, थोड़ा सा आप पिन के जगह पर कुछ वायर्स जो पतला वायर होता है वायर को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो मैंने पिन को प्रेस कर दिया, तो इस पिन जो है यहाँ पर, इस पिन को वॉश करने के बाद भी अगर जाम नहीं हट रहा है आपका यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए और एक ठो वाल्व है जो यहाँ पर ज्वाइन है एक साइड में और यहाँ इस साइड में है, तो इसको दोनों साइड थोड़ा आगे पीछे करके इसको भी ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए गैस निकल रहा है और नीचे का और यहाँ पर स्प्रिंग रहता है, तो इसको भी ओपन करना होगा, देखिए ओपन हो गया और देखिए अभी गैस निकल रहा है, आपको आवाज़ दिख रहा है अच्छी तरीके से। तो फिर से आपको जल्दी से इसको सेट कर देना है, तो इसको जल्दी से सेट कर देना, क्योंकि गैस पूरा अगर है तो निकल जाएगा, अगर खाली है तो ठीक है। तो ये देखिए सेट ये हो गया, अभी गैस अच्छी तरीके से निकल रहा है। तो अभी मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ इस पोर्शन को, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कैप ओपन किया था उसको भी ओपन लगा देता हूँ, अभी देखिए कैसे जल रहा है, तो अभी जो गैस है वो सही से जल रहा है, मतलब ये ओके हो गया है। तो ऐसे आप गैस जो ओवन ये मतलब गैस है लाइटर है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ।